हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एटीजी व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, नए व्लॉग में, नए मोटर व्लॉग में बेसिकली स्वागत है। सो आज मैं जा रहा हूँ भूलेश्वर। मेरे साथ में चिन्मय एंड माय ब्रदर, हम तीनों जाने वाले हैं। चिन्मय से अभी मीटअप पॉइंट में मिलना है, जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम मिले थे, संचेती हॉस्पिटल के बाहर। भाई इतनी धूप देख के कौन बोलेगा बारिश का मौसम है आज। मतलब क्या है ये नॉर्मल संडे मॉर्निंग, वो भी ऐसे समर वाली वाइब्स दे रही है मुझे। यो बॉय, इतना लेट लगा था आना। अरे सॉरी सर, 20 मिनट लेट, 30 मिनट लेट हो गया। चले लीड करो सर आप। राइड पे कुछ ना कुछ होना इज मैंडेटरी, कुछ प्रॉब्लम जैसा छोटा मोटा। अभी देखो माइक का जो ऊपर का स्पंज रहता है वो गिर गया, और माइक बाहर लटक रहा था, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। वो नसीब माइक नहीं गिरा, माइक गिरेगा भी नहीं वैसा, क्योंकि वो एडाप्टर से कनेक्टेड तो है, बट कुछ बोल नहीं सकते ना। बहुत कुछ सिखा के जाता है ट्रैवलिंग अपने को, स्पेशली मुझे, एंड लिटरली बोल रहा हूँ मैं, इट मीन्स अ लॉट। जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जितना मैं ये सब मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, सामान पैकिंग ना ये ना वो सब, तो उसमें से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ। इसके लिए और घूमने वाला हूँ मैं। और सर हमारे साथ वाला नहीं आया आज। वो दूसरे राइड, दूसरे ग्रुप के साथ राइड पे गया है। उसको बोला था हमने पहले, हमारे साथ आ, लेकिन आया नहीं। ठीक है कोई नहीं, हमने उसको धोखा दिया था पहले। भूलेश्वर मंदिर एक शिव मंदिर है जो पुणे से लगभग 45 किलोमीटर और यवत से पुणे सोलापुर राजमार्ग से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर तक जाने का रास्ता सुंदर एवं दर्शनीय है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। दीवारों पर शास्त्रीय नक्काशी है। इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1200 शताब्दी में राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पंच पांडवों ने किया था। भूलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1230 में यादव शासकों के काल में हुआ था। जिस किले पर मंदिर स्थित है उसे दौलत मंगल किला कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण के लिए काले बेसाल्ट पत्थर को लाया गया था, जो आसपास के भूरे रंग के पत्थर की तुलना में अलग है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों तरफ सीढ़ियां है, जिनके सामने दाहिनी ओर गणेश और बाईं ओर विष्णु की प्रतिमा है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश होता है। उसके बगल में एक बड़ा नंदी और एक कछुआ है। और आगे एक सुंदर नक्काशीदार मंदिर में एक शिवपिंड है। प्रदक्षिणा शुरू करने के बाद सबसे ऊपरी परत पर गणेश की एक स्त्री छवि होती है। यहाँ देवताओं, गंधर्वों, यक्षों की भी कई मूर्ति है, और दूसरी तरफ विभिन्न अन्य देवताओं के लिए बनाई गई देवकुलिका कोठरियां हैं। मंदिर और बगल की दीवार के बीच के क्षेत्र में कोई छत नहीं है, इसलिए ऊपर से झांकती रोशनी नक्काशी को एक अद्वितीय सुंदरता प्रदान करती है। यहाँ प्रकाश की संरचना विशेष रूप से कलाकारों और फोटोग्राफरों के लिए एक दिलचस्प घटना है। यह एक गलियारे द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक तरफ गर्भगृह और अंतराल की आसपास की दीवारों पर सजावटी ग्रंथ है, किले का निर्माण 1629 में आदिलशाही जनरल मुरार जगदेव पंडित ने किया था,
जिन्होंने 1630 में पुणे को लूटा था। फिर उन्हें शहर पर नजर रखने के लिए किला बनवाए। अभी जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो, एग्जिट करते हो, वैसे ही यहाँ पे एक मस्त जगह मिली है फोटोग्राफी के लिए। अगर आप भी पुणे के पास कोई वन डे ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो कह सकते भुलेश्वर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। और भुलेश्वर आते वक्त आपको रामदारा भी लगेगा, थेऊर भी लगेगा। सो व्यू के लिए, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए अगर आप स्पॉट ढूंढ रहे हो तो आप देख सकते हो। मेरे पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे सीन है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आज की बारिश नहीं हुई है या बारिश का मौसम नहीं है। उस मौसम में और भी अच्छा ये पूरा हरा भरा हो जाता है। सो यू कैन यूटिलाइज योर डे बाय कमिंग हियर। और ऊपर शिवजी भगवान का मंदिर भी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, देखने लायक है। वीडियो एंड करने से पहले लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी स्पॉट पे जाते हो, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, तो अपना जो कचरा आप तो इतने खूबसूरत एरिया में मत फेंकिए। एक तो कचरे के डब्बे में डालिए, अगर कचरे का डब्बा नहीं है तो घर पे लेके जाइए, लेकिन इस एरिया को, ऐसे एरिया को गंदा मत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग। एंजॉय करो।